ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा सूटकेस पैक कर रही हूँ। लगता है तुम्हें ये रूम बहुत पसंद आ गया है। मेरा सामान शिफ्ट करके, मुझे अपने रूम में शिफ्ट करके, क्या तुम यहाँ रहने आ रही हो? मैं तुम्हें इस घर से शिफ्ट कर रही हूँ। वाह, ये तेवर! मुझे खुशी हो रही है कि मेरी छोटी बहन बड़ी होती नजर आ रही है। बदतमीजी की और बेशर्मी की हद तक बड़ी नहीं हो जाऊंगी मैं तुम्हारी तरह। शर्म आती है मुझे तुम्हें दीदी कहते हुए। तो साथ कह लो। खींच लूंगी ये जुबान अगर ये लफ्ज दोबारा मुझसे निकाले तो। वेरी गुड, मेरी ही जगह लेकर मेरी ही तरह बोलने लगी हो तुम। तुम तो एक त्याग करने वाली आदर्श भारतीय नारी हो। फिर ये नया रूप कहां से धारण कर लिया तुमने? हाँ, एक आदर्श भारतीय नारी जो अपने पति की भलाई के लिए कुछ भी त्याग कर सकती है, उसे बर्बादी से बचाने के लिए कोई भी रूप धारण कर सकती है। बर्बादी का इल्जाम लगाने से पहले घर को आबाद करना सीखो। जिसके बिस्तर को अपना नहीं कह सकी, उसके घर पर अपना अधिकार जता रही हो? नहीं, जिसके दिल में घर कर गई हूं उसके घर पर अधिकार जता रही हूं। तुम्हारे लिए बाहर बहुत मिल जाएंगे बिस्तर। शट अप! आज ये रीमा तुम्हारा थप्पड़ खा के हार स्वीकार नहीं करेगी। छोटी बहन होने का फर्ज मैंने हमेशा पूरा किया, लेकिन उसे तुम हमेशा अपनी जीत समझती आई हो। लेकिन मेरा वजूद हारने के लिए नहीं है, और ये एहसास मुझे रवि ने दिलाया है। अगर यही एहसास बचपन में माँ बाप ने दिलवाया होता तो आज मैं रवि की दूसरी नहीं पहली पसंद होती। अपने आप को बेवकूफ तो मत बनाओ रीमा। रवि की पहली पसंद भी मैं थी और आखिरी पसंद भी मैं ही हूँ। तुम तो उसके कुछ भी नहीं लगते, और अगर तुमको मेरी बात भी यकीन नहीं आता तो पूछ लो रवि से कि मैं उनकी क्या लगती।